डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में ही चल रहा था, तो वही पोर्शन पढ़ते हैं। देखिए, सिस्टम नॉइज़ टेम्परेचर, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। देखिए, मैं बता रही हूँ सिस्टम नॉइज़ टेम्परेचर। देखिए, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि जिससे आप कैलकुलेशंस करते हैं। इसको हम टी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ गिवन बाय टी एस इज़ इक्वल टू टी इनपुट प्लस टी आर एफ प्लस टी इनपुट बाय जी आर एफ प्लस टी आई एफ बाय जी एम जी आई एफ। ओके, टी इनपुट क्या है आपका? टी इनपुट क्या है? इट इज़ द नॉइज टेम्परेचर, इज द नॉइज टेम्परेचर ऑफ आर एफ, सॉरी, नॉइज टेम्परेचर ऑफ एंटीना होता है। नॉइज टेम्परेचर ऑफ एंटीना मेजर्ड एट आउटपुट पोर्ट। ओके, टी आर एफ क्या होता है? देखिए, टी आर एफ जो होता है ये इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर होता है, इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर ऑफ आर एफ एम्पलीफायर। ओके, सिमिलरली टी आई क्या होता है? देखिए, टी आई एफ जो होता है इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर ऑफ आई एफ एम्पलीफायर। आई एफ ए मीन्स आई एफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। टी एम किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। जी आर एफ क्या है? गेन। दिस इज गेन, ठीक है, गेन ऑफ आर एफ एम्पलीफायर। एंड जी एम क्या है? दिस इज गेन ऑफ मिक्सर। एंड जी आई एफ क्या है? गेन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ओके, तो जो सक्सीडिंग स्टेजेस ऑफ रिसीवर हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट लेस एंड लेस नॉइज टू द टोटल नॉइज टेम्परेचर। एंड इन दिस केस जो नॉइज टेम्परेचर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके में क्या क्या लगा है, इसमें देखिए, आपके में एक एंटीना से आपको नॉइज टेम्परेचर आ रहा है विच इज़ बींग मेजर्ड एट द आउटपुट पोर्ट। एक आपका आर एफ एम्पलीफायर से है नॉइज टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसमें अगर आपके टी इनपुट बाय, मान लीजिए फोर सक्सीडिंग स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्टेजेस होंगी दे विल कॉन्ट्रीब्यूट लेस एंड लेस नॉइज। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्सीडिंग स्टेजेस ऑफ रिसीवर कॉन्ट्रीब्यूट लेस एंड लेस नॉइज टू द टोटल नॉइज टेम्परेचर, टू द टोटल नॉइज टेम्परेचर। इन दिस केस जो नॉइज टेम्परेचर होगा वो सिंपली क्या होगा? सम ऑफ एंटीना नॉइज टेम्परेचर, सम ऑफ एंटीना नॉइज टेम्परेचर एंड एलएनए नॉइज टेम्परेचर एंड एलएनए नॉइज टेम्परेचर। मैं इसको एंटी लिखूं या एन लिखूं, बात एक ही है, एलएनए नॉइज टेम्परेचर। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ टी एस इज इक्वल टू टी एंटीना प्लस टी एलएनए। एलएनए इज लो नॉइज एम्पलीफायर, ठीक है। नॉइज मॉडल फॉर एन इक्विवेलेंट आउटपुट नॉइज सोर्स अगर मुझे निकालना है, ओके, जैसे टी एन ओ इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टी पी ऑफ 1 माइनस G1, ठीक है। तो नॉइज मॉडल जो है, नॉइज मॉडल फॉर एन इक्विवेलेंट आउटपुट नॉइज सोर्स, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ नॉइज टेम्परेचर, प्रोड्यूसेस अ नॉइज टेम्परेचर दैट इज टी एन ओ, जिसकी वैल्यू है टी पी ऑफ 1 माइनस G1। यहाँ पे G1 क्या है आपका? जो आपका G1 है, दिस G1 इज द लीनियर गेन। ये क्या है? इट इज द लीनियर गेन हुज वैल्यू इज लेस देन यूनिटी ऑफ एटीन्यूएटिंग डिवाइस और मीडियम ऑफ एटीन्यूएटिंग डिवाइस विच इज इंसर्टेड, ठीक है, एट इन बिटवीन। तो एटीन्यूएटिंग डिवाइस हो गया या मीडियम होगा, ठीक है। तो ये आपका टी एन नॉट जो है, दिस इज इक्वल टू टी पी ऑफ 1 माइनस G1। टी पी क्या है आपका? टी पी इज द फिजिकल
टेम्परेचर ऑफ डिवाइस और मीडियम, ऑफ डिवाइस और मीडियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉइज फिगर की, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये मार्कर चाहिए मुझे, नॉइज फिगर चाहिए। NF नॉइज फिगर क्या होता है? इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू स्पेसिफाई द नॉइज जनरेटेड विद इन अ डिवाइस। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द नॉइज विच इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड विद इन अ डिवाइस, ठीक है। जो ऑपरेशनल नॉइज फिगर होता है, जैसे हम मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द SNR इनपुट टू द SNR आउटपुट, ये पता होना चाहिए आपको। नॉइज फिगर इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है, ये क्या है आपका नॉइज फिगर अगर मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, सो दिस इज एन एफ इज इक्वल टू 1 + TN0 / T0। ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं नोटबुक में लिख लीजिए। TN0 क्या है? इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, ठीक है, विच इज आप इसको TE भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड T0 क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर है, इट इज द रेफरेंस टेम्परेचर एंड इट इज 290 डिग्री केल्विन, ओके। तो इफ सेवरल डिवाइसेस आर कैस्केडेड, अगर मैं सेवरल डिवाइसेस को कास्केड कर दूं, कनेक्ट कर दूं, मैं आपको लिख भी देती हूं, एक फ्रिज फॉर्मूला होता है। फ्रिज फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय कास्केडिंग सेवरल डिवाइसेस, बाय कास्केडिंग सेवरल डिवाइसेस। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 + F2 - 1 / G1 + F3 - 1 / G1 G2 + F4 - 1 / G1 G2 G3 and so on। यहाँ पे मतलब आप Fn - 1 and G1 G2 G3 and this is up to Gn - 1। तो ये जो F1, F2, F3 है, ये क्या है? रिस्पेक्टिव नॉइज फिगर्स हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, दीज आर रिस्पेक्टिव नॉइज फिगर ऑफ डिवाइसेस इन कैस्केड, ठीक है। एंड G1, G2, G3 क्या है? G1, G2, G3 आर रिस्पेक्टिव पावर गेन्स ऑफ डिवाइसेज इन कास्केड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आपका आता है एक G/T फॉर अर्थ स्टेशन, ये हम पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। G/T को जनरली फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं, G/T रेशियो फॉर अर्थ स्टेशन। देखिए, इट इज़ द रेशियो रिसीवर गेन, ये क्या है बेसिकली? रेशियो रिसीवर गेन टू दैट ऑफ द सिस्टम नॉइज टेम्परेचर, ठीक है। तो लिंक इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द C/N, इन टर्म्स ऑफ CNR और C/N एट अर्थ स्टेशन। तो जो आपका C/N है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज PT GT GR बाय KTS BN, ओके, इनटू ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4πr का होल स्क्वायर। ये आपने रिलेशन पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है फॉर्मूला? आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था ना, PR इज इक्वल टू PT GT GR इनटू लैम्डा बाय 4πr का होल स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। तो यहाँ पे PT GT GR और N जो है, जो आपकी नॉइज़ पावर है, दैट इज़ KTS इंटू BN है। तो हमने यही लिखा है ना इसको, अंत में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज PT GT बाय KBN इंटू, मैं इसको लिख सकती हूँ, लेमडा बाय
4 पाई आर का होल स्क्वायर इंटू जी आर बाय टी एस। ये जी आर बाय टी एस देखिए कहाँ आ रहा है, यही जी आर है कि ये जी आर है और ये टी एस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका जी बाई टी रेशियो होगा, रिमेंबर द मोर दिस जी बाई टी रेशियो इज हायर, द हायर विल बी दी सी बाई एन, हायर आपका सी एन आर होगा, हायर आपका सी एन आर होगा, ठीक है। एंड बेटर विल बी द रिसेप्शन ऑफ सिग्नल, मतलब जी बाई टी जितना जी आर बाई टी एस ज़्यादा होगा, एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज दिस सी एन आर इंक्रीजेस, ठीक है। विच इम्प्लाइज क्या होगा कि बेटर विल बी द रिसेप्शन ऑफ सिग्नल, बेटर विल बी सिग्नल रिसेप्शन एट रिसीवर, रिसीवर पर उतने अच्छे से सिग्नल को रिकवर किया जाएगा और जो ओरिजिनल सिग्नल होगा। इसीलिए जो जी बाई टी होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस जी बाई टी इज नोन एज द फिगर ऑफ मैरिट, एफ ओ एम फॉर रिसीवर। इसको हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मैरिट बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ गिवन कि सेटेलाइट टर्मिनल का नेगेटिव जी बाई टी है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए नेगेटिव जी बाई टी का मतलब क्या होता है, विच मीन्स इट इज़ बिलो 0 dB पर डिग्री केल्विन, विच मीन्स कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जी आर की, इट इज़ स्मॉलर दैन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टी एस। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब एक आपका आता है लिंक बजट की इक्वेशन। लिंक बजट की इक्वेशन क्या है, देखिए लिंक बजट की इक्वेशन है कि लिंक बजट मेनली क्या होता है, इट इज अ टेब्यूलर मेथड, इट इज अ टेब्यूलर मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द रिसीव्ड पावर, फॉर इवैल्यूएटिंग द रिसीव्ड पावर एंड नॉइज पावर, एंड नॉइज पावर इन अ रेडियो लिंक। लिंक बजट कैलकुलेशंस हम जनरली सेटेलाइट कम्युनिकेशन में करते हैं साइंटिस्ट वगैरह। इट इज़ अ टेबुलर मेथड होता है जिससे कि हम रिसीव्ड पावर और नॉइज पावर को कैलकुलेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं किसी भी रेडियो लिंक में, ठीक है। तो लिंक बजट्स मेनली क्या यूज़ करते हैं, दे यूज डीबी यूनिट्स, डेसिबल यूनिट्स यूज़ करते हैं, एंड रिलेशन बिटवीन अपलिंक एटीन्यूएशन एंड डाउनलिंक एटीन्यूएशन होता है इसमें। एटीन्यूएशन इज व्हाट, इट इज़ द लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ थ्रू फ्री स्पेस। तो यहाँ पे ए अपलिंक इज इक्वल टू ए डाउनलिंक इनटू ये कितना है एफ अप बाय एफ डाउन, इसका जो है स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। तो ए अप क्या है, दिस इज द अपलिंक एटीन्यूएशन, दिस इज द अपलिंक एटीन्यूएशन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। मेनली ये ड्यू टू रेन होता है, मेनली ड्यू टू रेन होता है। डाउनलिंक एटीन्यूएशन है ये, और ये क्या है डाउनलिंक। डाउनलिंक का मतलब क्या है कि सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन, और अपलिंक का मतलब क्या है कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो डाउनलिंक इज व्हाट, डाउनलिंक एटीन्यूएशन इन इसमें ये भी क्या है, डाउनलिंक एटीन्यूएशन इन एटमॉस्फेयर है, बेसिकली ड्यू टू रेन की वजह से है, जो रेन की वजह से एटीन्यूएशन होता है, ठीक है। और अपलिंक एफ अप और डाउनलिंक क्या है, दीज आर दी डाउनलिंक एंड अपलिंक फ्रीक्वेंसीज। तो हम इसको ये आप फॉर्मूला कर लीजिए, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स पहले बोलते थे जब मैं मॉक टेस्ट कराती थी या न्यूमेरिकल्स कराती थी कि आप साइड में फॉर्मूलेज भी लिख दिया कीजिए। तो मैं अभी थोड़ा सा ये पूरा सीरीज ही इसमें थ्योरी का कर रही हूँ। अब आपका आता है ओवरऑल सी एन आर रेशियो। मैंने आपको बताया था कि कैरियर टू नॉइज़ रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द डिमोड्यूलेटर इनपुट। ये आपका जैसे डिमोड्यूलेटर है, तो डिमोड्यूलेटर के इनपुट पे हम सी एन आर रखते हैं और आउटपुट पे हम एस एन आर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आता है 1/C/N ओवरऑल, दिस इज इक्वल टू 1/C/N ऑफ अप प्लस 1/C/N ऑफ डाउन। तो सी बाय एन मतलब कैरियर टू नॉइज रेशियो है, सी बाय एन इट इज द कैरियर टू नॉइज रेशियो फॉर अपलिंक, ओके, एंड दिस इज कैरियर टू नॉइज रेशियो फॉर डाउनलिंक। तो मुझे ये आपको इतना ही बताना था, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।